विश्वास वो चीज है जो दिल से पहले टूट जाता है। जीएफ बनाना, बीएफ बनाना और रिश्तों में आना बहुत लंबी प्रोसेस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी होती है, दूसरा कुछ नहीं होता है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें रिया चक्रवर्ती मिलेगी या फिर अंकिता लोखंडे मिलेगी। इसलिए लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दो, उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। ट्विटर हैपन वगैरह का यूज करना बंद करो। कब तक यूज करोगे? यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग फेक हैं और गलत तरीके धंधा करते हैं। वहां प्यार ढूंढना मतलब कि नमक में चीनी के दाने ढूंढने के बराबर है। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो अपने जीएफ और बीएफ को देख के चलते हैं कि काश मेरे साथ भी ऐसा होता, मेरा बीएफ होता या मेरी जीएफ होती। तो चलो मत, वो सिर्फ चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, फिर वही आपका दोस्त उन्हीं गलियों में गाने गुनगुनाते हुए सैड सॉन्ग सुनते हुए फिरेगा या फिर गाना गाते हुए फिरेगा उन्हीं गलियों में। तो दो लाइन बोलना चाहूंगा, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। एक गाना और जो पुराना गानों की काफी एक लाइन फेमस लाइन है और काफी अच्छा गाना है वो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सैड सॉन्ग सुनेगा, अगर इनसे भी उनका गम दूर नहीं होगा, उनका दर्द दूर नहीं हो सकता, वो ड्रिंक करेगा फिर नशा करेगा, बहुत सारे नशे हैं, इसकी लत लगेगी। लेकिन जो इन रिलेशनशिप में नहीं है तो आप बेटर हो। आप एक बार इमेजिन करना, जो उसका प्रेजेंट का चल रहा है वही फ्यूचर में रहेगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में बहुत डिफरेंस है। कि जो प्रेजेंट में वो एंजॉय कर रहा है, तू सोच रहे हो कि साथ मेरी भी गर्लफ्रेंड होती या फिर बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी एंजॉय करता, वही रिलेशनशिप आगे जाके फ्यूचर में ब्रेकअप होगा या वही रहेगा सब, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हो सके इनसे उतने दूर रहे। अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक करो, उस पर इतना फोकस करो, उस पर कंसंट्रेट करो, उससे अपना माइंड सेट करो। अगर आपको कोई गोल है पहले गोल सेट करो, फिर उसी पे बिजी हो जाओ, और इतना बिजी हो जाओ कि जीएफ और बीएफ का ख्याल तक ना आए, ना माइंड में ना दिल में, कहीं भी नहीं, किसी कोने में नहीं। अगर आपको जीएफ बनाने का बीएफ बनाने का शौक है तो उन स्किल को बनाओ, उन किताबों को बनाओ और उन्हीं से प्यार करो। जब भी आपको धोखा देंगे ना तो बना के छोड़ेंगे। किसी भी लड़की को जीएफ बनाने के लिए कभी भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो 100% आप लिख के रख लो, एक दिन पछताओगे। जितना तुम वक्त अलग अलग लड़कियों को अप्रोच करने में लगाते हो, उतना वक्त अगर अपनी अंदर की स्किल को डेवलपमेंट करने में, उनको सीखने में लगाओ, तो हो सकता उन्हीं स्किल की कोई लड़की दीवानी हो जाए और तुम्हारी लाइफ पार्टनर हमेशा के लिए बन जाए। जीएफ और बीएफ की तलाश मत करो, सही समय पे ईश्वर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। वरना इस दुनिया में 13 रिया चक्रवर्ती और 13 अंकिता लोखंडे जैसी लड़कियां भरी पड़ी हैं। पुराने गाने की एक लाइन है, आजा मेरे बाल मां तेरा इंतजार है, आजा मेरे बाल मां तेरा इंतजार है। और इस टाइम क्या है, आजा मेरे बाल मां वरना दूसरा तैयार है, दूसरा तैयार। तो यही है यार, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी और वो मजे लेंगी। इसलिए ऐसे लोगों से, घटिया लोगों से दूर रहे, उतना ही आपके बेटर होगा। और भगवान ना करे अगर आप इसमें आ गए हैं तो अंजाम तो आपको पता ही है क्या है, सारी दुनिया जानती है। इससे बेहतर है कि सिंगल रहो, लेकिन लाइफ में 3 चीजें फॉलो करना, व्यस्त रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। लाइफ में ऐसा मत करना कि आपकी लाइफ में एक बार बुरा इंसान आ गया और फिर लाइफ में अच्छा इंसान आता है, तो बुरे इंसान की वजह से अच्छे इंसान को कभी मत खो देना। ऐसी गलती मत करना, ये डिसीजन सोच समझ के लेना। जो आज का हमारा टॉपिक था जीएफ वाइज बीएफ, इसमें क्या साइड इफेक्ट थे, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, अपनी अपनी विचारधारा, अपने नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट कमेंट में शेयर करना ना भूलें।